यातायात पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मी ने ड्यूटी के दौरान किस प्रकार मानवता का परिचय दिया, देखिए इस खबर में। पुलिस विभाग के खाकी के अंदर छिपी मानवता, इंसानियत अनेकों बार सामने आई है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ऐसा अध्यात्म में कहा गया है। अभी कुछ महीनों पहले की घटना है कि सरकारी रुग्णालय में एक व्यक्ति को दुर्लभ ग्रुप के खून की आवश्यकता रहती है और ऐसे में रात्रि के दरमियान जब ये जानकारी चंद्रपुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी को मिलती है तो स्वयं वह चंद्रपुर के सरकारी रुग्णालय में पहुंचकर एक मानवता का परिचय देते हुए उस व्यक्ति के लिए आवश्यक दुर्लभ खून की पूर्ति करते हैं और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी के इस कार्य की हर तरफ सराहना की गई। उसी के तर्ज पर चलते हुए चंद्रपुर पुलिस के यातायात विभाग में कार्यरत समीर चापले जो अपने ड्यूटी पर मौजूद थे, अचानक उन्हें पता लगता है कि एक पेशेंट जो झाड़े हॉस्पिटल में भर्ती था और उसे अर्जेंट ओ निगेटिव इस ग्रुप के खून की आवश्यकता रहती है और ऐसा सुनने पर समीर चापले तुरंत उस रुग्ण की मदद करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर आवश्यक ग्रुप का रख देते हैं। सकाळी 9:30 च्या दरम्यान ट्रॉफिक ऑफिस च्या बाजूला नाकाबंदी तिथे कर्तव्यावर असताना मला अचानकपणे एक फोन आला की तुमचा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव्ह असल्याने आणि एका पेशंटला अत्यंत गरज असल्याने त्यांना त्याची भरपूर आवश्यक आहे, ते कुठं मिळत नसल्यामुळे असा कॉल आला। मग मी आमच्या मेजरला सांगितलं की अशी अशी घटना झालेली आहे, मला सरकारी हॉस्पिटल इथे ब्लड देण्यासाठी जायचं असल्यामुळे मी जाऊ का असे विचारण्यात आले तर त्यांनी म्हटले की तू तात्काळ तिथं निघून जा आणि त्यांना ब्लड दे। मग मी सरकारी हॉस्पिटल इथे गेलो आणि त्यांना ब्लड डोनेट केले। ते 48 वर्षांचे निमोनिया पेशंट होते, त्यांना ओ निगेटिव्ह ब्लड देण्यात आले। समीर चापले के इस कार्य की हर तरफ सराहना की गई। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव गारकर की रिपोर्ट।